minus q and plus q. इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सल लाइन. अगर इन दोनों का ये सेंटर ले, इसको ऐसा मिलाएंगे और इस पर एक हमने परपेंडिकुलर बनाया, ये लाइन, दिस वी विल कॉल एज इक्वेटोरियल लाइन. और अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई पॉइंट यहां पर है इक्वेटोरियल लाइन, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई एट इक्वेटोरियल लाइन. ये पॉइंट एक है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट. लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो है जो कि पॉइंट चार्ज से निकलता है. पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, q अपॉन 4π ε0 1 अपॉन r स्क्वायर. तो वही हम यहाँ लगाना चाहते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम ये डिस्टेंस को मानकर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इस डिस्टेंस को मानकर. तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है हम निकालना चाहते हैं. सो सबसे पहले ये पॉइंट डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर है, आंसर है ये इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पर है. सो वेयर इज आर, दिस इज आर फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस पॉइंट. ओके, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, वी नो इट इज एल एल, सो दिस इज 2L. नाउ इफ दिस इज आर दिस इज एल, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज टू दिस पॉइंट, दिस हाइपोटेनियस, सो दिस इज आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर टू द पावर हाफ, That is square root of r square plus l square. ये इसकी लेंथ हो गई. अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये प्लस के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इट विल हैव ए डायरेक्शन हियर दिस वे. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, आई विल राइट इट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge q upon square of this distance, that is r square plus l square. This is the magnitude. Where is the direction? This is the direction given in this diagram. Okay, then e due to minus q, this is minus, so the electric field will be coming towards minus q in this direction. Once again, what is electric field? How do we measure it? It is measured by the force experienced by a test charge placed at that location. If we place a test charge here, so test charge ka nature kya hota hai? A positive, very small charge. Positive and very small चार्ज. ओके, अगर हम उसको यहां रखेंगे तो ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और अगर इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, देन वी विल डिक्लेयर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी मेक ए एरो हियर, दिस एरो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दिस एरो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इसका मैग्नीट्यूड q है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, और इसका स्क्वायर करेंगे, अगेन दिस विल बी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. ओके, दिस ये e ड्यू टू माइनस q, e ड्यू टू प्लस q. अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, इट इज एग्जैक्टली सेम, डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ई मान लेते हैं. तो इसकी लेंथ कितनी है, ई, इसकी लेंथ भी कितनी है, ई, दोनों की लेंथ इक्वल है. अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना, देर आर टू वैक्टर्स एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट, देन द टोटल इफेक्ट विल बी वैक्टर सम ऑफ द टू, ऐसे रिजल्टेंट निकलेगा. तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने इनका वेक्टर सम निकालना है. ओके, तो वेक्टर सम किस तरह से निकालेंगे, देर आर टू मेथड्स, वन इज मेकिंग देम
dividing, resolving them into components and adding the components. Second method, to go by parallelogram method. Okay, dono ke liye humko ek cheez zarurat padegi, and that is the angle between them. If this angle is theta, this angle is also theta, kyunki ye dono ki length equal hai. Agar ye dono theta hai, to ye wala angle, external angle will be sum of the two, that is equal to 2 theta. तो हम क्या करते हैं, इसमें से थीटा एंगल लेके ये एक लाइन यहां ड्रॉ कर लेते, दिस इज हाउ मच थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा. ओके, अब ये जो ई है इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, दिस कंपोनेंट विल बी ई कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी ई साइन थीटा. दिस ई विल हैव टू कंपोनेंट, one is this and other is this. जो theta की तरफ है वो क्या होगा, e cos theta again, और ये कितना हो जाएगा, e sin theta, e sin theta, e sin theta upward and e sin theta downward, they will cancel each other. तो net electric field कितना आया, e cos theta plus e cos theta. Net electric field is equal to 2E cos theta. ये net electric field आ गया. अब हम इसमें E और cos theta दोनों की value रखते. देखिए E की value, ये E की value हमने निकाल के रखी है, चाहे यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए. ये आ गया e की वैल्यू. cos थीटा, यहां से cos थीटा लेते हैं, अगर cos थीटा यहां से लेंगे, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है l, सो वी राइट हियर l अपॉन हाइपोटेनियस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर हाफ, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर हाफ. ये again simplify it further, the electric field is equal to net electric field, net, this is equal to 2 multiplied by q multiplied by l, 2ql kiska formula hota hai, that is dipole moment, so we write it p. सामने कौन है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो वैसा ही रहेगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ द मीडियम 1/4 पाई, 2 क्यू एल की जगह पी आ गया, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर, इसकी पावर 1 है और इसी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है, सो 1 एंड हाफ इज 3/2. So we write here power 3/2. This is our expression for electric field at distance r from the dipole on equatorial line. E at equatorial line. Okay, तो ये r distance पर है, r distance पर है. अब इसकी direction कौन सी है? ये direction. E cos theta, E cos theta ये, और ये तो कैंसल हो चुके हैं. अगर दोनों की डायरेक्शन मिलाकर ऐसी आती है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कंपेयर करिए. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होती है. ये डायरेक्शन है किसकी, वेक्टर पी डायपोल मोमेंट की, और ये डायरेक्शन इसके उल्टी है. सो क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी. तो जब हमने एक्सल लाइन पे लिया था तो कैसा था, अलोंग द पी, और जब यहां पर लिया इक्वेटोरियल लाइन पे तो कैसा हो गया, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, करेक्ट.
अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, दिस इज अगेन E इज इक्वल टू, इफ इफ L इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, If this length is very small compared to R, और ये होता ही है क्योंकि डायपोल बहुत छोटे होते हैं, तब ये जो L square है, R square plus L square will be almost equal to R square only. तो इसको हम neglect कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, This will be on 4 pi epsilon naught P upon R. इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया, आर टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2, दिस 2 इज कैंसल्ड, सो वी गेट आर टू दी पावर 3 एंड वी राइट इट दैट वे, सो दिस इज आर टू दी पावर 3, दिस इज द एक्सप्रेशन वी गेट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. Can you compare it with the expression of electric field on axial line? This is on what? Equatorial. What was electric field on axial line? That was 1 upon 4 pi epsilon naught, and after simplification, it was 2p upon r cube. Ye dekhi, 2p upon r cube, 1 upon 4 pi epsilon naught. और ये कितना आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 पी अपॉन आर क्यूब, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बाकी एक्सप्रेशन सेम है. अगर ऐसा है तो हम एक चीज डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉर द सेम डिस्टेंस आर ऑन द एक्सल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. डायपोल से अगर आप 5 मिलीमीटर एक्सल लाइन पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल मिलेगा कंपेयर टू 5 मिलीमीटर अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पर जाते हैं. सो दिस इज हाउ दे आर कंपेयर्ड. सो फॉर द सेम डिस्टेंस is the one expression we got. अच्छा, direction आपने देखी कैसी है, opposite direction we have written in opposite direction of P. Okay, so this is how we compare. ये भी electric field is proportionate to 1 upon r cube और axial वाला भी 1 upon r cube, उसमें कोई difference नहीं है, that is same. लेकिन एक चीज हमको याद हो गई, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, इट इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ऑन द एक्सल लाइन गिवन डिस्टेंसेस दोनों जगह सेम लेने. ओके, सो दिस इज द सेकेंड लोकेशन. फर्स्ट लोकेशन हमने क्या ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सल लाइन. सेकेंड लोकेशन क्या ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पॉइंट वी आर कंसिडरिंग इज आइदर ऑन एक्सल लाइन और ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इट मे बी एनी वेयर बिटवीन ऑल्सो. अगर वो और कहीं पर हुआ तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आंसर है दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दीज टू सिचुएशंस. एंड नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, electric field due to dipole at any general point. Okay, so let us see that now. So we have here electric field due to dipole at any point. When we say any point, then what do we mean?
Okay, here is a dipole. I will make it this way so that we can do calculations. ये उसका mid point है, इधर का distance L, इधर का distance L. This is minus Q, this is plus Q. एक चीज आप भी ध्यान में रखिए, जब भी इसके charges लिखते हैं, minus Q left में लिखिए, plus Q right में लिखिए, according to mathematical number line. नंबर लाइन में माइनस लेफ्ट में आता है और प्लस राइट में आता है, और यही डायरेक्शन किसकी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस टू प्लस ऐसे होनी चाहिए. सो लेट्स मेक ए प्रैक्टिस टू राइट इट दिस वे. ओके, एक पॉइंट है जो कि न तो एक्सल लाइन पर है न इक्वेटोरियल लाइन पर है, ये जनरल पॉइंट है एनीवेयर. लेकिन इस पॉइंट को हमको स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा. हाउ डू वी स्पेसिफाई कि ये पॉइंट डायपोल से आर डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस कितना लेना है आर. ओके, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है, दिस इज डायपोल मोमेंट वेक्टर. डायपोल मोमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, they make an angle and that angle is theta. इस तरह से हमने इसको specify किया. क्या किया? That let Q be a point which has position vector r making angle theta with direction of the dipole moment. Now we have to find out electric field at this point due to this dipole. इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डायपोल मोमेंट है P, इस P के दो कंपोनेंट बना लेते बना सकते हैं. वी आर अलाउड टू रिजॉल्व एनी वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो इसके हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए. एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनाया, ये माइनस इधर प्लस इधर ऐसा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ये ऐसा बनाया. तो ये एक कंपोनेंट किसका, पी का, डायपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ऐसी होती है. तो इसके हमने दो कंपोनेंट बना लिए, ये जो ये पी है, इस पी के दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर. थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना होगा, आंसर है इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा पी कॉस थीटा. और ये वाला जो कंपोनेंट बना विच इज द परपेंडिकुलर टू दिस, ये कितना होगा पी साइन थीटा. तो जो थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट P cos theta, और जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है that is P sin theta. इस तरह से हमने इसके दो कंपोनेंट बना लिए. ओके, अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड P के कारण निकालना है तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं. हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके दोनों कंपोनेंट के कारण अलग अलग, और ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उन दोनों को आपस में एड कर देंगे, वेक्टोरियली एड कर देंगे. ओके, सो दैट मेक्स इट इजी. किस तरह से इजी होगा देखिए. सो पी दैट इज डायपोल मोमेंट इज रिजॉल्व्ड अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू आर. पी कॉस थीटा along r, p sin theta that is normal to r. ये दो component किसके बन गए, p के, that is p parallel, we can say p parallel, उसका magnitude p cos theta, और p perpendicular, ये वाले vector का magnitude कितना, p sin theta, right. अब P पैरेलल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा,
E due to P parallel, यानी P cos theta के कारण। अब ये वाला point Q, ये P cos theta की एक्सल लाइन पर है। यस, देखिए एक्सल लाइन हमारे लिए ये एक डायपोल है और ये दूसरा डायपोल है। जब हम इसको डायपोल मानते हैं तो ये इसकी एक्सल लाइन है और ये पॉइंट कहाँ पर है, इसकी एक्सल लाइन पर है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सल लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा। और एक्सल लाइन वाला फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, 2p अपॉन आर क्यूब और सामने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर p पूरा p नहीं है, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? p cos थीटा। R की वैल्यू कितनी है? तो R की वैल्यू तो R ही है, सो दैट विल बी R क्यूब। ये आ गया किसके कारण? E ड्यू टू P पैरेलल। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑन द एक्सल लाइन इज अलोंग P, तो ये P की डायरेक्शन है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस ऐसा घुमाया। तो यहां पर हमको इसकी डायरेक्शन कैसे मिली? ये This is direction of E due to P cos theta, ठीक है? E due to P parallel, ये मिल गया, ये इसका, ओके। अब E due to P perpendicular, ये जो दूसरा dipole moment है इसके कारण E की value कितनी होगी? Again ये कौन सा केस है? ये इस डायपोल मोमेंट के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू कितनी होती है? आंसर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंगल पी, तो यहां पर सिंगल पी, लेकिन यहां पी की अपनी वैल्यू कितनी है? पी साइन थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अगेन द डिस्टेंस इज आर क्यूब। तो लेकिन यहां पर कौन सा पी लेना है? जो इसका है, और वो कितना है? पी साइन थीटा। ये आ गया। इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आंसर है इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू पी होती है। तो ये वाले पी की डायरेक्शन कहाँ है? देखिए इसको हमने ये कॉम्पोनेंट इधर लिया, तो ये कॉम्पोनेंट इधर, ये इसकी डायरेक्शन है दिस। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी। दिस इज ई ड्यू टू परपेंडिकुलर पी। इस पी के कारण देखिए, इस पी की डायरेक्शन इधर, तो इस ई की डायरेक्शन इधर, क्योंकि उल्टी होती है डायरेक्शन, दैट वी हैव डन जस्ट नाउ। ओके, ये आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहां पर आ जाइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बना, ये दूसरा बना, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? दोनों का सम करके। ओके, दोनों का सम करते हैं, वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? आंसर इट इज 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। ये इसके साथ है और ये इसके एंटी पैरेलल है, तो ये भी कितना हुआ? 90। अगर ये 90 है, देन वी कैन कंप्लीट ए पैरेललोग्राम हियर विद 90 डिग्री ऑल एंगल्स, सो दिस विल बी ए रेक्टेंगल। यस, ये अगर रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम लॉ से दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये तो ये हमको मिलता है अल्टीमेट ई, ई रिजल्टेंट। ये जो ई हमको रिजल्टेंट मिला, ई नेट मिला, इसका मैग्नीट्यूड कितना? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। ये और इसको यहां से मिला दीजिए, ये किसके बराबर है? ये ई परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर है? ई पैरेलल। तो ये कितना हुआ? पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे? स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, क्योंकि ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने निकाला ई नेट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ
E पैरेलल का स्क्वायर, ये रहा E ड्यू टू P पैरेलल, इसका स्क्वायर करना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P cos थीटा अपॉन R क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R क्यूब, इसका स्क्वायर, ये आ गया E नेट। दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, एंड नाउ वी सॉल्व इट। तो इसमें से देखिए, इसको स्क्वायर किया रूट के बाहर आ गया, स्क्वायर किया रूट के बाहर आ गया, ये कॉमन तो बाहर आ जाएगा। सो दिस वी कैन राइट एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये स्क्वायर करके रूट के बाहर आया तो इसका स्क्वायर हट गया, ये ऐसा कैसे ही रह गया। अब अंदर क्या क्या बचा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ दिस 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से पी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, पी। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, अब पी भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बाकी कितने बचे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस वी कैन राइट एज 1 प्लस 3 cos square theta. So this is our expression for electric field at any general point. कोई भी पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पे है और जिसकी पोजीशन थीटा एंगल बनाती है p के साथ, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, क्या ये फॉर्मूला ठीक है? आंसर है यस, करके देखिए। Let us test it. Test करके देखते हैं। Okay, देखिए। हमने क्या equation बनाया? E net is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube 1 plus 3 cos square theta. ये हमारा फॉर्मूला था और इसमें ये डायपोल है और ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस आर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मान लो ये वाला पॉइंट क्यू यहां ले लेते, कहां पर, यहां कहीं पे, अगर यहां पर हमने क्यू लिया तो थीटा कितना हो जाएगा, ये ऐसा, थीटा विल बी जीरो। सो ऑन एक्सल लाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यहां थीटा इज इक्वल टू जीरो करिए, सो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन इंटू थ्री थ्री, थ्री प्लस वन फोर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, फोर, फोर का स्क्वायर रूट कितना हुआ, टू, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 P upon R cube. और यही हमने बनाया था एक्सल लाइन के लिए, तो ये फॉर्मूला करेक्ट हुआ इस टेस्ट पे। क्या इक्वेटोरियल में भी ये करेक्ट होगा, यहां पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, थीटा को 90 करिए, ये क्या हो गया, 0, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, तो हमने निकाला E at equatorial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube, 1 से मल्टीप्लाई किया, इट रिमेन्स थे, तो E on axial line निकाला इस फॉर्मूले से, इतना आया, E on equatorial निकाला, इतना आया, और ये दोनों हम पहले निकाल चुके हैं, ये दोनों कैसे हैं, करेक्ट, therefore this general formula what we have derived is correct, ये उसका क्या हो गया, टेस्ट। नाउ
तीनों सिचुएशन हम जान चुके हैं। एक चीज छोटी सी बाकी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सी हियर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला ई नेट, इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमको सोचना है कि डायरेक्शन हम किसके रेफरेंस में निकालेंगे। तो यहां हम डायरेक्शन निकालते हैं पोजीशन वेक्टर के रेफरेंस में। ये पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर से ये जो हमारा रिजल्टेंट ई है, सपोज ये एंगल बनाता है अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोजीशन वेक्टर आर। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और इस पॉइंट का स्पेसिफिकेशन क्या है, इट हैज ए पोजीशन वेक्टर आर। तो ई जो है पोजीशन वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है। नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी, दैट इज हाउ मच इज टेंजेंट अल्फा। इस ट्रायंगल को देखकर निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, अल्फा विथ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर। Then, what is 10 alpha? 10 alpha, this is equal to this upon this. What is this? This is E perpendicular. And what is this? E parallel. So, this is E perpendicular divided by E parallel. Dono ki value yahan se rakhte hai. E perpendicular. E due to perpendicular is P sine theta upon this. And E parallel is this. दोनों को रखा हमने तो यहां पर हमको क्या मिला, इन दोनों दिस अपॉन दिस, 1/4 πε0 कैंसल, पी कैंसल, आर क्यूब कैंसल, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन पैरेलल। परपेंडिकुलर में क्या बचा, साइन थीटा, और पैरेलल में क्या बचा, 2 cos θ। सो दिस इज, आप रख कर देख लीजिए, साइन थीटा अपॉन 2 cos θ। This is equal to half of tangent theta. तो ये हमारा आया, direction is given by angle alpha, where 10 alpha is equal to half of 10 theta. ये है direction of net electric field, जो कि position vector के साथ कितना angle बनाती है, alpha. अब अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा यहां पे, क्योंकि एक्सल लाइन पे थीटा कितना हो जाएगा, 0, तो 10 थीटा भी कितना, 0, उसका हाफ 0, तो अल्फा की डायरेक्शन भी 0, यही डायरेक्शन आएगी। और वैसे ही जब आप यहां लाएंगे तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 90, 10 थीटा इज इंफिनिट, हाफ ऑफ दैट इज इंफिनिट, देयरफॉर 10 अल्फा इज इंफिनिट, सो अल्फा इज अगेन 90 डिग्री। तो आर पोजीशन वेक्टर, जब आर पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा तो इसका 90 इधर आएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का टेस्ट भी कर सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये इसका ई नेट का फॉर्मूला हो गया, और जो इसका एंगल अल्फा बनता है उसका फॉर्मूला भी हमने याद कर लिया, हाफ ऑफ 10 θ। ये इस तरह से ये यहां पर अल्फा बना। तो ये हमारा हो गया एट एनी जनरल पॉइंट। अब एक छोटी सी चीज और है बिफोर वी क्लोज, ये एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसकी एक्सल लाइन, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द पी, ऐसी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं ऐसी, सेम जैसी वहां है। तो पूरी लाइन पे ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे, बाहर ऐसे ऐसे, हाँ अंदर हम नहीं बना रहे, ताकि आप कंफ्यूज मत हो,
हम पढ़ चुके हैं कि इनफैक्ट अंदर में अपोजिट होती है, ठीक है। यहां पर अगर हम लेते हैं तो कैसी मिलेगी, आप देख चुके हैं कि यहां पर अगर हम लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, यहां लेंगे ऐसी, यहां लेंगे ऐसे, यहां लेंगे ऐसे, ऐसे थोड़ा सा मुड़ गई, फिर और मुड़ गई, फिर और मुड़ गई, और ये पूरी टर्न होगी। फिर यहां आप लेंगे, इसको ऐसा बनना है, यहां पर आप लेते हैं तो ये और ऐसे टर्न होते जाती है और यहां पर आकर ये डायरेक्शन होती है, इधर। यहां लेंगे ऐसी, यहां लेंगे ऐसी, और यहां लेंगे तो पूरी उल्टी हो गई इस तरह। अब नीचे आइए, नीचे में डायरेक्शन कैसी होगी, यहां पर अगर डायरेक्शन ये इधर है तो क्या ये डायरेक्शन इधर होगी, नहीं। करके देखिए, ये माइनस है, माइनस इधर बनाता है, प्लस इधर बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, ऐसा। इसलिए जो डायरेक्शन ये है वही तो ये भी आ रही है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये ऐसा है, ये इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पर बीच की पोजीशन होगी ये। ये थोड़ा सा और ऐसा घूमेगा, यहाँ पर इस तरह का आएगा, यहाँ इस तरह का आएगा, और ये देखिए अलग अलग एंगल। आई हैव मेड दिस डायग्राम फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए डायपोल। सी हियर, टर्न लिटिल, टर्न मोर, टर्न मोर एंड टर्न बाय 180 डिग्री, अगेन टर्न बाय 90 डिग्री, टर्न बाय 180 डिग्री, अगेन टर्न बाय 90 डिग्री, टर्न बाय 180 डिग्री, अगेन टर्न बाय 90 डिग्री एंड टर्न बाय 180 डिग्री। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए डायपोल एट डिफरेंट लोकेशंस। हियर इट इज दिस वे, हियर इट इज दिस वे, हियर इट इज दिस वे, एंड हियर इट इज दिस वे, here this direction and here also this direction, so everywhere here it is in this direction, okay. So this is the complete diagram of electric field for a dipole. You pad chuke hain on the axial line at the general point, on the equatorial line, and from axial line to equatorial it become half वीक हो जाता है, कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज इट डिप्लीट्स वेरी फास्टर, उससे आर टू द पावर 3 के रेशियो में डिप्लीट होता है, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए आर स्क्वेयर के उसमें डिप्लीट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय द डायपोल। थैंक यू।